नमस्कार दोस्तों, क्या हाल आप सबका। तो एक्सरसाइज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बेंट ओवर मार्बल रोइंग। तो सबसे पहले मैं आपको बेंट ओवर मार्बल रोइंग के बारे में बता देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बैक मसल को टारगेट करती है। बैक अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में बोले तो आपका जो लैटिसिमस डोर्सल मसल होता है, मतलब कि ये वाला मसल आउटसाइड बैक का आउटसाइड का मसल, उसको टारगेट करने के लिए एक्सरसाइज होती है। अगर आप ये एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म करते हो तो आपके बैक की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, आपको एक वी टाइपर लुक मिलता है और उसके अलावा आपका बैक मजबूत होता है। लेकिन होता क्या है, लोग इसको सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। सही से परफॉर्म नहीं करने के कारण उनके लोअर बैक पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और जब आपका मसल ही प्रॉपर हिट नहीं होगा तो वो डेवलप कैसे होगा, आज हम वो एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स है, कुछ 3-4 स्टेप्स में आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी और इसके बाद आप जब भी अपना बैक ट्रेन करोगे आपको बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और आपको फील हो जाएगा कि आपका मसल बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज का सेटअप रेडी हो गया है। आपको सेटअप के लिए एक मार्बल चाहिए, उसके अलावा प्लेट चाहिए एंड लॉक। और जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो या कोई भी मार्बल के साथ प्लेट वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपको एक हैमर मैट चाहिए फ्लोर पे, ताकि जब भी आप वेट को ड्रॉप करते हो तो आपका फ्लोर डैमेज नहीं होना चाहिए। बात करते हैं पोस्चर की। आपका जो पोस्चर है, जैसे कि एक्सरसाइज का नाम है बेंट ओवर मार्बल रोइंग, तो आपको सबसे पहले बेंट ओवर पोजीशन में आना। बेंट ओवर पोजीशन होता क्या है, बेंट ओवर पोजीशन ही होता है। अब इसमें सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है, जब भी किसी को बेंट ओवर पोजीशन में आने बोलो तो वो नी बहुत ज़्यादा आगे कर देते हैं या नी बहुत ज़्यादा पीछे कर देते हैं या फिर लोअर बैक को राउंड कर देते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आपको अपने नी को स्टेबल करके रखना है। नी ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बस आपका जो हिप्स है हिप्स वो पीछे की तरफ जाएगा। ये आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक सामने में बेंच लगा के। बेंच में आपके नी लॉक रहेगा, मैं भी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा। बेंच में आपके नी लॉक रहेगा और बस हिप्स को पीछे लेके जाना है। ये हो गया आपका बेंट ओवर पोजिशन और उसके बाद में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसलिए मैंने बताया बेंट ओवर पोजिशन में सबको प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अपने आगे में बेंच लगाना है जो कि बेंच आपके नी को लॉक कर देगा। अब नी को लॉक करने के बाद आपको हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाना, तो ऐसा होता है बेंट ओवर पोजीशन। उसमें आपका नी लॉक है, नी बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाएगा ना पीछे जाएगा, यहाँ पे आपका नी लॉक हो गया और बस हिप्स को पीछे लेके जाना। और ध्यान रखना आपका लोअर बैक राउंड ना रहे, लोअर बैक अंदर की तरफ रहे, मतलब स्ट्रेट रहे, न्यूट्रल रहे। उसके बाद एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपका बेंट ओवर पोजीशन मास्टर हो जाएगा। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके डेडलिफ्ट में, बेंट ओवर मार्बल रोइंग में और जो जितनी भी बेंट ओवर पोजीशन में एक्सरसाइज होती है उसमें। बस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वेट को ग्रिप करना है, जैसे मैंने डेडलिफ्ट बताया था सेम वैसे ही आपको वेट को ग्रिप करना है बैक को स्ट्रेट रखते हुए। अब इसमें अगेन जैसा हर एक्सरसाइज में होता है वैसे ही अपर बॉडी के एक्सरसाइज में शोल्डर्स को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट और डिप्रेस करना। देन हम जाएंगे बेंट ओवर पोजीशन में। अब बेंट ओवर पोजीशन में कितना जाना है, सबसे आइडियल जो पोजीशन होता है कि आपका मार्बल आपके नी के थोड़ा नीचे होना या फिर आपका जो अपर बॉडी है वो ग्राउंड के पैरेलल आ जाए, ये सबसे बेस्ट आइडियल पोजीशन होता है। अब इसमें आने के बाद आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको सिंपल अपने जो एल्बोज है एल्बोस को पीछे की तरफ लेके आना है और जो मार्बल है मार्बल को आपको इमेजिन करना है कि जो बेली बटन है उस पर टच करना है। तो सिंपल ये मोमेंट हो गया ये। अब इसमें गलती क्या होती है, जैसे जैसे वेट बढ़ते जाता है या जैसे जैसे आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो रोइंग करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ आने लगती है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका बैक का मसल प्रॉपर हिट नहीं होगा, आपको उसको प्रॉपर हिट करने के लिए एक पोजीशन में स्टक रहना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा। जैसे मैंने ये पोजीशन इस हाइट पर अपने आपको सेट कर लिया तो मेरा जो अपर बॉडी है वो ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ एल्बो का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं एल्बो के पोजीशन की कि एल्बो कितना अंदर और कितना बाहर आना चाहिए। तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि एक आइडियल एल्बो का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो हमने वेट को लिफ्ट किया, शोल्डर्स एडजस्ट किया, मार्बल रोइंग पोजीशन में बेंट ओवर पोजीशन में गया और उसके बाद एल्बो को पीछे की तरफ लाना है। अब इसमें मिस्टेक्स क्या होती है, मिस्टेक्स होती है कि एल्बो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज ला लेते हैं या बहुत ज़्यादा वाइड ला लेते हैं, तो अब इससे अगेन आपका बैक का मसल हिट नहीं होगा, आपके एल्बो स्लाइटली बाहर की तरफ रहेगा, जिसको हम 45 डिग्री एंगल बोल सकते हैं। तो उस एंगल पर अगर आप ट्रेन करते हो तो आपका लैग्स का जो मसल है वो बहुत अच्छे तरीके से टारगेट होगा। सबसे लास्ट बात करते हैं ब्रीदिंग की। जब भी आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने हर एक्सरसाइज में बताया है
जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या जो पॉजिटिव मूवमेंट है जहाँ पे आपको एफर्ट लग रहा है वहाँ पे आपका ब्रीथ आउट होगा, और जहाँ नेगेटिव मूवमेंट है एक्सरसाइज का वहाँ पे आपको ब्रीथ इन करना है, ठीक है। तो अगेन हमने वेट को लिफ्ट किया, शोल्डर को रिट्रैक्ट एंड डिप्रेस किया, डाउन गए, कोर को ब्रेस करते हो डाउन गए। अब उसके बाद जब हम पुल कर रहे हैं तब आपको ब्रीथ आउट करना है, और छोड़ते टाइम ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट हम माउथ से करेंगे और ब्रीथ इन नोज से करेंगे। तो चलिए वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा बेंट ओवर बारबेल रोइंग एक्सरसाइज। अपने हर एंगल से देख लिया है कि एक्सरसाइज कैसे होता है, आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। और इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस बनाए एक्सरसाइज के ऊपर, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, तो आप ये सारे वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम एक्सरसाइज सीरीज में और भी वर्कआउट ट्यूटोरियल ऐड करने वाले हैं। तो बस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।